फाइनल में हार के बाद मोहम्मद शमी ने लगाया फांसी तो विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को लेकर खोला सबसे बड़ा राज। शमी के बीवी का आया था फोन। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से मानते हैं तो वीडियो पर दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा कर अब छठवीं बार विश्व विजेता बन चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि 18 नवंबर को वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन सुमन गिल ने बिना रन बनाए अपना विकेट गंवा दिया, जिसके बाद विराट कोहली ने टीम को संभाला, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद विराट भी पवेलियन चले गए, जिसके बाद केएल राहुल ने टीम को 240 रन तक पहुंचाया। तो वहीं बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने आकर एक धमाकेदार शुरुआत की और पहले ओवर में 15 रन बना दिया। फिर इंडिया के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए पावर प्ले में 3 विकेट झटक लिया, लेकिन ट्रेविस हेड ने शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को एक शानदार जीत दिला दी। दोस्तों उसके बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के आंखों में आंसू थे, तो वहीं मोहम्मद शमी ने फांसी लगाने की कोशिश भी की, जिसको लेकर विराट कोहली ने बताया कि एक सप्ताह से शमी काफी ज्यादा परेशान थे। मैच खत्म होने के बाद उनके बीवी का फोन आया था, जिसके बाद वह काफी निराश नजर आ रहे थे। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि शमी ऐसा भी कर सकते हैं।